अपने दीवाने का, अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे के अखियों से गोली मारे लड़की का माल रे के अखियों से गोली मारे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और आपका आर्या एंड भाव्या हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपने ये अभी वीडियो देखा, तो इस तरह का टेम्पलेट वीडियो आप भी अपने कैन मास्टर से सिंपल तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि ये वीडियो कैसे आपको एडिट करना है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप में से कोई हमारे इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एडिटिंग वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद 16:9 पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर चलेंगे, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का ले लेंगे और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हम बढ़ा देंगे। लेयर पर चलेंगे, टेक्स्ट पर चलेंगे और यहाँ पर हम कोई भी नाम टाइप कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने नाम, अपने चैनल का ही नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने चैनल का नाम टाइप कर लिए हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं और उसके बाद टेक्स्ट डबल ए पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे और ये फैकॉन पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपको फैकॉन का यहाँ पर फॉन्ट नहीं आएगा तो आप सिंपली यहाँ पर जो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो आपको फैकॉन का फॉन्ट नज़र आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा यहाँ से। तो चलिए हम फैकॉन पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं क्योंकि हमको इसका क्रोमा की निकालना है, तो हम ग्रीन कर दिए। उसके बाद इसका भी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हम बढ़ा देते हैं और इसको सिंपली हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक्सपोर्ट इसको कर लेंगे। तो चलिए कुछ ही सेकंड में ये आपके सामने एक्सपोर्ट होकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट हो चुका है। तो चलिए हम फिर उसी पेज पे आ गए हैं। तो ये जो नाम वाला है इसको हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद ये ब्लैक वाले को रहने देते हैं। उसके बाद लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और अभी जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसी को ले लेंगे और उसका हम फुल साइज कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये जो ब्लैक वाला है इसके कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी कलर लेना हो उसको ले लेंगे, ओके कर देंगे। और ये फिर जो नेम वाला है, ग्रीन स्क्रीन वाला, अभी जो हमने एक्सपोर्ट किया है इसका क्रोमा की कर लेते हैं, तो इसको इनेबल कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, लेयर पे चलना है। लेयर पे जाके हैंड राइटिंग पे क्लिक करेंगे नीचे में। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं, हरा कलर का है तो ये रहने देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो पेंसिल है, पेंसिल का आप नीचे सर्किल जैसा है आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितनी मोटाई में रखना है, तो पेंसिल वाला रहने दें। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे खींच के कुछ इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, पीला कलर ले लेते हैं, तो कुछ इस तरह से हम फिर से ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कोई और कलर ले लेते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर गुलाबी कलर ले लेते हैं। तो हम सिंपली इसको कुछ इस तरह से कहीं कहीं चला देंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हैंड राइटिंग का डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद हैंड राइटिंग को हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे, इसका दो गो कर लेंगे। तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये बीच वाला, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे चले आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ओके कर देंगे। नीचे वाले पे जाएंगे, फिर बीच वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको क्लॉकवाइज कर लेंगे, ये भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ये लिखा हुआ टेस्ट वाला है इसको आप क्या करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे,
तो कुछ इस तरह से आपका शो होगा। उसके बाद अब आप प्ले करके देखिए ये किस तरह से मस्त ज़बरदस्त आपके सामने बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हम आगे फिर इसमें और कोई काम करना हो तो आगे हम बता देते हैं। इसमें तो लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और यहाँ पर हम अपने हिसाब से जो भी लेना हो कोई और कलर, इसमें जितना आप काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो हम चलिए इसमें स्मोक वाला इस तरह से कुछ ले लेते हैं, कुछ इस तरह से ले लिए। उसके बाद ये तो ऊपर पे छा जाता है तो इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा ओपेसिटी पे जाएंगे और इसको थोड़ा हम इसका कलर जो है भद्दा कर देंगे, थोड़ा नीचे खिसका के इस तरह से मध्यम कर देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसका जो ड्रेसन है उसको भी हम इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद ऑडियो पे जाएंगे, ऑडियो पे जाके अपने हिसाब से जो भी देना हो सॉन्ग वो दे सकते हैं। उसके बाद आप प्ले करके एक बार देख लें। तो जैसे ही प्ले करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कितना खतरनाक लुकिंग आपको आपके सामने दिख रहा है, मस्त लग रहा है देखने में, क्या गजब का लगता है कि फॉन्ट सब झिलमिल झिलमिल कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप एडिटिंग, मस्त वाला एडिटिंग वीडियो बनाकर, टेम्पलेट वीडियो बनाकर और किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं और अच्छा खासा व्यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसा ही टेम्पलेट वीडियो बनाना सीख लें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।